नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। साथ मिलके आज आराधना में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया मुझे और मेरे साथ आए हुए भाई कुणसेग्रन, और हम दोनों बिहार में कई साल से परमेश्वर की सेवा करते हैं। वे भी हमारे साथ लगभग 36 साल मेरे सेवकाई में साथ दिए हैं। परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा कुछ लोगों को प्रभु में लाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, लेकिन बिहार बहुत बड़ा है, 13 करोड़ लोग हैं। अभी भी हम कोशिश करते हैं किसी न किसी रीति से अनेक लोगों को प्रभु में लाए, और इसके अलावा हम थोड़ा बहुत नेपाल में और उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, महाराष्ट्र में भी परमेश्वर की सेवा में अपने दल के साथ कार्य करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हम प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, उसने हमें विश्वास योग्य समझा। प्रभु का वचन में लिखा है, उसने हमें विश्वास योग्य समझा। हम कौन होते उसकी वचन को बांटने के लिए, उसकी कलाम को सुनाने के लिए हम कौन होते, परंतु उसने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, जगह जगह ले गया, देश देश में ले गया, भिन्न भिन्न लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कल किसी ने आके बोला कि आप अपना परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो मैं परिवार के बारे में तो बोलने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, परंतु मैं परिवार के बारे में बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ कि अपना परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचाने के लिए मैं चाहता हूँ, अगर उन भाइयों के लिए बहनों के लिए मैं थोड़ा बहुत बतलाने के लिए चाहता हूं। और मेरे प्रभु के दया से मुझे 4 बच्चे और 4 बच्चों को मैं गोद लिया था, लेकिन एक जन प्रभु के पास चला गया अपना बेटा में से, और एक लड़की प्रभु के पास चली गई, और इसके अलावा भी 6 बच्चे को परमेश्वर ने दिया है, और 3 लड़के और 3 लड़कियां, और 4 जन का शादी हो चुका, और 2 अभी नन्हे नन्हे हैं। परमेश्वर हमारे परिवार के साथ सेवा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, और प्रभु की दया से मेरे 4 बच्चे जिनकी शादी हो गई है, जरूर अच्छा पढ़े लिखे थे, परंतु परमेश्वर ने उनको सेवकाई के लिए बुलाया, इसलिए भिन्न भिन्न जगहों में वे परमेश्वर की सेवकाई को निभा रहे हैं। आपको जब पवित्र आत्मा याद दिलाएगा हमें भी याद कीजिएगा, और जैसा भाई पास्टर विजय और अन्य हरेंद्र वगैरह बोलते हैं, मैं उतना महान दास करके अपने के गिनता नहीं हूँ। ज़रूर मेरे संदेश को लगभग 128 देश के लोग रोज़ सुनते हैं। कई लोग परमेश्वर के पास आने के लिए प्रभु ने एक छोटा सा मौका दिया। प्रतिदिन मेरे पास चिट्ठियाँ चली आती है, आपके संदेश ने मुझे कड़ा किया, आपके संदेश ने प्रभु में लाया करके। तमिल भाषा बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले सारे लोगों के लिए थोड़ा बहुत आशीष का कारण बनाया है। मैं इसलिए परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा कोरस को आपका दिल और दिमाग में बैठाने के लिए चाहता हूँ, ताकि ये आपका जीवन हो सके। प्रभु ने कहा, अगर आप मुझसे आराधना करते हो, अपना सारे धन, सारे मन, सारी सामर्थ, सारे बल से आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा इधर उधर नहीं, सब मिलके हमें आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है, और उस आराधना में अपने को शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं एक छोटा सा कोरस को आपके दिल में डालने के लिए चाहता हूं। ये मसीह जीवन में आपको आगे ले जाने का ताकत रखता है, और मैं उन शब्दों को आपके पास छोड़ने के लिए चाहता हूं, ताकि आप मुझे भूल जाएं, लेकिन ये गीत को तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोग गाने में माहिर हैं। आपका पास उससे एकदम पूरा धुम लगा के गाते हैं, और परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग गाने में तो मेरा दूसरा बेटा आते वक्त कह रहा था, पापा पंजाबी लोगों के गीत को लेते आइएगा। हाँ, मैं तो पंजाबी जानता नहीं, लेकिन उसने कहा था कुछ सीडी को लेके आइएगा, मुझे अच्छा लगता है करके उन्होंने कहा था। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा। आप लोगों के गीत से हम भी आनंदित है और आशीषित है। और मेरे पीछे पीछे बोलेगा, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। प्रभु आपसे ये, हमसे ये चाहता है कि हम ऐसा जीवन बिताए, हमारा दिल और दिमाग और होंठ और नजर सब में परमेश्वर झलकने पाए। मैं और मेरे बिहार आने के बाद 2 साल के बाद मेरी शादी हुई थी। हम लोग एक जगह में थे, पूरे जिला भर में एक भी मसीह नहीं थे, पूरे जिला भर में। और उस समय हम लोग एक ऐसे गांव में ठहरने के लिए गए जिसका नाम दाऊद नगर, और वहां पर एक मीटिंग के लिए आयोजन किया। पहले दिन उस मीटिंग को लोगों ने बिगाड़ दिया और स्टेज वगैरह तोड़ दिया, लाइट वगैरह तोड़ दिया। और हम लोगों ने सोचा परमेश्वर ने हम लोगों से कहा है यहाँ पर जाओ, इसलिए हम आए हैं। और लोग तो तोड़ दिए हैं, पूरा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन पूरा जुलूस निकाल के लाया लोगों को और तोड़ ताड़ के टिकिया, पुलिस भी उनके साथ दिया, और इसलिए हम मीटिंग को आगे नहीं बढ़ा सकें। प्रभु ने काम किया था लेकिन हम मीटिंग को आगे नहीं बढ़ा सकें। हम अकेले थे, हमारे साथ बहुत छुट फुट के लोग थे, और वे लोग तमिलनाडु के नहीं थे। हम और मैं और पत्नी और हम लोगों ने रात में प्रार्थना किया। जब मीटिंग बंग हो गया, जब पुलिस आके बोल दी इस प्रकार की उदंगा मचाने वालों के बीच में आपका मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मीटिंग को बंग करके और हम अपने जहाँ डेरा को एक बाड़ा पर लेके रखे थे वहाँ पर कुछ लोगों को ला के रखा था। उनके साथ मैं प्रार्थना करने के समय मैं अपनी पत्नी से ये कहा, सुनो हम लोगों का यहीं ठहरना है, यहाँ विरोध है जरूर और हम लोग यहीं ठहरेंगे, यहाँ एक बाड़ा का मकान ले लेंगे, हम परमेश्वर के संदेश को सुनाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रात में प्रार्थना करके हम सो गए। सवेरे 5 बजे हमारा दरवाजा को कोई कटकटा रहा था जिस मकान में हम लोग टिके हुए थे। तो कोई हमारे साथ रहने वाला कहा, हम खाली खुली मत, रात गए लोग मारने के लिए, अभी आपको मारने के लिए आया होगा। मैंने कहा जीवन एक ही जीवन है, अगर जिंदा रहेंगे वो हमारे साथ है, मरेंगे हम उसके साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मसीह लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास है, हम जिंदा रहेंगे, वो कहा मैं सदा से तेरे संग रहूंगा, मरेंगे उनके साथ, फर्क क्या पड़ता है। इसलिए मैंने कहा दरवाजा खोला। वहां एक पंडित बहुत बड़ा टिक्का लगा हुआ था, 50 आदमी के साथ आया था, और खाना और एकदम मुंह के बल गिर के कहना गलती हो गया साहब। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया मुझे समझ में नहीं आया कि रात को मार रहे थे, रात को तो पूरा लाइट वाइट तोड़ दिए, पूरा स्टेज को मंच को खत्म कर डाले, अभी आके एकदम गिर के कह रहे हैं माफ कीजिए। और मैं थोड़ा सा सोच रहा था परमेश्वर रातें रात काम किया होगा, रातें रात परमेश्वर ने कुछ काम किया है, मुझे मालूम नहीं है क्या किया है। इसलिए जब उसने कहा कि माफ कीजिएगा, और उसने एक शब्द और भी कहा, आपको हम पहचाने नहीं है, आप कौन है करके मुझे मालूम नहीं था, इतना बड़ा व्यक्ति करके। मैंने सोचा मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, नया नया बिहार में आया हूं, पूरा जिला में पहले बार प्रचार करने के लिए आया हूं, ये क्या कह रहा मुझे समझ में नहीं आया। तो भी मैंने थोड़ा हिम्मत बांध के बोला पहले आपको जानकारी लेना चाहिए था। तब मुझे पता चला क्या हुआ, रात में हमारे मीटिंग को 8 बजे तक ये लोग बंक कर दिए थे, और 9:15 बजे आकाशवाणी के रेडियो को लेके एक जन उस भीड़ में खड़ा था। आकाशवाणी का न्यूज आया और उसमें लिखा आकाशवाणी दाऊद नगर की दंगा के ऊपर केंद्रीय सरकार नजर लगाई है करके। वो घबरा गए हैं क्योंकि उन दिनों में फोन भी नहीं था, कैसा यहाँ की बात से केंद्र सरकार में पहुंच गया और आकाशवाणी में पहला न्यूज दाऊद नगर के बारे में आ रहा है। इसलिए वे लोग घबरा गए, बाप रे बाप ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ फकीर है और ये उसका वहां तक पहुंचे करके उनके दिल में रात में नींद आई नहीं, इसलिए लोगों ने झुंड करके सोचा जाके सवेरे माफी मांग लेंगे तब ठीक रहेंगे। इसलिए माफी मांगे तो वहां पर मैं रहने लगा, लेकिन मैं यहाँ इस बात को कहने के लिए नहीं चाहता हूँ। मेरी पत्नी जब रास्ता पर जाती थी लोग ये कहते थे यीशु मसीह जा रही है, उनको मालूम नहीं था यीशु स्त्री था या पुरुष था, मालूम नहीं, इसी अनजाने में थे, तो भी ये कहते थे यीशु मसीह जा रही है। मैं एक और बात से आनंदित रहा, मुझे देखने वाला यीशु को देख रहा है। हालेलुया। अनजान जगह में जहां कोई यीशु के नाम तक नहीं जानता है वहां भी आप अगर चलिएगा आपको देख के लोग कहना है यीशु जा रहा है। अगर यीशु जाना है तो आपका दिल और दिमाग, आपका होंठ और नजर यीशु जैसा होना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल बतलाती है यीशु के समान होने के लिए हमारा बुलाहट है। हालेलुया। जैसा वो है वैसे ही होने के लिए प्रभु ने आपको और हमको बुलाया। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। हमारा जीवन का उद्देश्य, हमारा जीवन का मकसद यही होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, हमारे बोली में, हमारे बातों में हमें जीने के लिए परमेश्वर आपको ठहराया। बगल वाला का हाथ पकड़ के हिला के बोलिएगा आपको यीशु के समान बनना है। बोले बोले, हाथ पकड़ के बोलिएगा यीशु के समान बनना है, यीशु के समान बनना है। इसलिए मैं इस गीत को आपके दिल में रखने के लिए चाहता हूँ। मन में वही है, नजरों में वही है, होंठों में वही है, दिल में वही है। मैं एक बार गाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत आसान गीत है और इसको और उस एक्शन के साथ गाइएगा ताकि आपको मालूम हो मन में हमेशा रहे। मैं एक बार गाऊंगा। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जा यीशु, 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 जा यीशु। मिलके गाएंगे। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में, मेरे मेरे होंठों में तू, मेरे दिल में तू। दोनों हाथों उठा के हमेशा लोग मेरे बारे में ये कहते हुए यहाँ सुना कि बहुत बड़ा सेवक है। मैं आपको एक छोटी सी बात को खाने के लिए चाहता हूँ। आप मुझे बड़ा नहीं समझेगा, लेकिन जो मेरे अंदर है वो बड़ा है। हाला लोग, मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर है वो बहुत बड़ा है। इसलिए ये एक छोटी सी बात को मैं कहने के लिए चाहता हूँ। चेन्नई शहर में एक बहुत बड़ी सभा की इंतजाम किया गया था, जिसमें प्रचार करने के लिए 4 दिन की मीटिंग थी। दूसरा दिन सभा में पूरी भीड़ के भीड़, मैदान में बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। मेरी आदत है मीटिंग के अंत में मैं नहीं रहता, मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि लोग मेरे लिए पूजा नहीं करना है, मेरे लिए नमस्कार नहीं करना है, इसलिए मैं अंत में नहीं रहता, मैं भाग जाता हूँ। इसलिए मैं जब प्रचार खत्म करके जब स्टेज से उतर रहा था, अपने गाड़ी के ओर जा रहा था, भीड़ के भीड़, कुछ लोग को मालूम हो गया ये भागता है, इसलिए पीछे पड़ गए। और पीछे पड़ गए तो एकदम धक्का धक्की होने लगा। कैसे कैसे तो वॉलंटियर लोग जो है मुझे गाड़ी में घुसा दिए। मैं वहां से भागा, लेकिन जैसा मैं कमरा में पहुंचा, जिस घर में मैं ठहरा था, वहां एक आदमी फोन करके बोला, भैया धन्यवाद। मैंने कहा किस बात के लिए धन्यवाद? मैं आते वक्त में अस्पताल में जाके अपना शुगर को जांचने के लिए गया था। डॉक्टर ने वहां जांच के बोला 430 है आपका शुगर। मैंने मन में ठान लिया आज मीटिंग में मैं जा रहा हूं, और मीटिंग में जाके किसी न किसी रीति से अगस्टिन जब कमरा तो छूऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, उसके मन में ठान लिया किसी न किसी रीति से। इसलिए जब धक्का धक्की हो रही थी मैं भी उसमें था, और आपके नजदीक पहुंच नहीं पाया, और केवल आपका बीच का उंगली का थोड़ा सा छूया, उतना ही मिला मौका, और आप तो चले गए। मैं सीधा फिर अस्पताल गया, मेरा शुगर 120 हो गया। अभी मत ताली बजाइएगा, अभी मत ताली बजाइएगा। बीच वाला उंगली को थोड़ा सा छुए, 430 से 120 आ गया। उसने कहा मैं दवाई ववाई नहीं लिया, मैं केवल आपको छुया, ठीक हो गया। मैंने उस भाई से कहा, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु ने तुम्हारे प्रार्थना को सुनकर तुम्हें ठीक किया, मैं आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ, तुम्हारा शुगर की बीमारी ठीक हो गई। लेकिन मेरी पत्नी का 25 साल से चीनी की बीमारी है। मैं सब जगह छूता हूं लेकिन कुछ होता नहीं। पत्नी को मैं 25 साल से छू रहा हूं, सिर से लेकर पांव तक छू रहा हूं, कुछ होता नहीं है। अभी बोलिए, बड़ा बड़ा सेवक है छोटा सेवक है? अभी बोलिए। पहले ताली बजाए, लेकिन अभी कोई बजाया नहीं। इसका मतलब चंगा करने वाला हम लोग नहीं है, मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं पूजनीय नहीं हूँ, मुझे आदर देना बेकार है, और उसकी आदर मिलने पाए हैं, उसकी महिमा मिलने पाए हैं, उसी को ही हमेशा मिलने पाए, और उसको छूने के लिए भी मेरे पास ताकत नहीं है। आइए 1 मिनट हमारे सिर को झुकाएंगे, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। एक महत्वपूर्ण जगह पर हम आए हैं, आराधना करने के लिए आए हैं, उसके आवाज को सुनने के लिए भी आए हैं। न केवल हम आराधना करने के लिए आए हैं, परंतु उसकी आवाज को सुन के उसके अनुसार अपना जीवन को मोड़ने के लिए आए हैं। परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करने पाए हैं। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, है ये तमन्ना मेरी, ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। हो मेरा बो खुद ले लिया। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। बैठ जाएं। आज आपके सामने रखने के लिए मैंने परमेश्वर के ओर मैं ध्यान लगाया। प्रभु ने एक व्यक्ति की जीवन से कुछ बातों को सिखाने के लिए प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय, वहां पर 7 और 8 पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी पत्रस उसका दूसरा अध्याय 7 और 8 पद को मेहरबानी से पढ़िएगा। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध, धर्मी जो लूत है वो अधर्मियों के बीच में, अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। उनके बीच में रहते समय अशुद्ध काम की बातों को देखकर बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। छुटकारा दिया, और क्योंकि वह धर्मी, वो धर्मी था, उनके बीच में रहते हुए, उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर उनकी बातों को सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को, हर दिन अपने सच्चे मन पर पीड़ित करता था, पीड़ित होता था। प्यारों, यहाँ इन वचनों में एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बतलाती है, उसका नाम है लूत। लेकिन पुराना नियम में नहीं, नया नियम में पत्रस लिखता है ये लूत धर्मी जन है। कभी कभी हम लूत के बारे में कई नेगेटिव बातों को, नकारात्मक की बातों को हम सुनते हैं, लेकिन आज उसके जीवन से कुछ ऐसी बातों को हम समझें जिसको हम अपना जीवन में उतारने के लिए परमेश्वर आपको और हमको सहायता करने पाए। लूत एक धर्मी पुरुष करके बाइबल बतलाती है, इसलिए हम उसको मानने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। एक धर्मी जन के जीवन किस प्रकार होगा करके लूत के जीवन से मैं ज्यादा बात नहीं, केवल 3 बात को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करने पाए। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल ये बतलाती है दुनिया में एक भी धर्मी नहीं है। मेरे साथ खोलिएगा रोमियों की उसका तीसरा अध्याय, रोमियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय में बाइबल में साफ बतलाती है 10 पद से लेकर और 18 पद तक हम पढ़ने जा रहे हैं। रोमियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 10वां पद से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे। बाइबल संसार के लोगों के बारे में क्या हमें बतलाती है, पढ़िएगा। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा खंडन करने की बात हो गई। हमारा हिंदुस्तान में साधु संतों का तक कमी नहीं है। कोई कोई अपना कपड़ा सारा उतार के भी चलता है। कहता हूं इतना संत हो गए, हमारा आंख का आकर्षित ही नहीं होता। आंख से हम पाप नहीं कर सकते, इसलिए हमारा शरीर में कोई कपड़ा का दरकार नहीं। चलो यार, अगर बिहार में आइएगा, यूपी में आइएगा, हजारों लोगों का ऐसा नंगा देखेंगे। लेकिन बाइबल बतलाती है एक भी धर्मी नहीं। क्यों धर्मी नहीं? अधर्मियों के चिन्ह क्या है, अधर्मियों का गुण क्या है, आगे बढ़िएगा बहन जी। कोई समझता नहीं इसलिए अधर्मी हो गया, जिसके अंदर समझ नहीं है। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। बाबरे, रुकिएगा, थोड़ा आगे बढ़ने के पहले इन बातों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। बाइबल बतलाती है कोई भलाई करने वाला नहीं है, ये एक भी नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं हम भलाई करते हैं, लेकिन वो भी बुराई में बदल जाता है। मुझे एक बात याद है, एक छोटे से गांव में एक ट्रेन चलती थी, सुबह शाम को लौटती थी, और गांव वालों को कोई दूसरा उपाय नहीं रहा शहर जाने के लिए। नदी को पार करके, जंगल को पार करके वो ट्रेन जाती थी, इसलिए यातायात के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। एक ही रेलगाड़ी थी, सुबह आती थी फिर शाम को लौटती थी। शहर में जाने वाला उसी गाड़ी के भरोसा पर चलते थे, इसलिए वहां पर जो है लोग उसी के भरोसा पर थे। एक दिन रेलगाड़ी चली आई संध्या को, शाम को। जब शाम को चली आई है तो वहां ड्राइवर नहीं देखा, गार्ड साहब नहीं देखे और स्टेशन मास्टर नहीं देखा। थोड़ा दूर के गांव से 2 जन दौड़ के आ रहे थे। एक पतला आदमी था, उसके पास झोला था, और एक मोटा आदमी था, पीछे दौड़ के आया था। लोग गाड़ी पकड़ने के लिए तो जरूर आए। जब गाड़ी छूट जाएगी, उनको बहुत जल्दी जाना था, इसलिए वे बहुत दौड़ के आए। लेकिन तब तक में सीटी बजाया गया है और गार्ड साहब हरे झंडा दिखा दिया है, इसलिए गाड़ी खुल गई। जब गाड़ी खुल गई, दोनों आदमी रफ्तार में आके किसी न किसी से गाड़ी धरने के लिए कोशिश किए, और गाड़ी के आखिरी डिब्बा में एक पहलवान आदमी देखा था, और उसने सोचा कम से कम ये बेचारे लोगों को तो मदद करना है, इसलिए उसने सोचा कि कोई नजदीक में आएगा उठा को भीतर रख देंगे। तब तक मैं झोला रखा हुआ दुबला पतला आदमी गाड़ी के निकट आ गया। मोटा आदमी से नहीं बन पाता था, वो पीछे रह गया, और गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी, स्पीड पकड़ने लगी, धरने लगी। तो ये पहलवान ने क्या किया, अपना हाथ को उस बार में लटका के एक आदमी को उठा के भीतर डाल दिया। तब तक में गाड़ी चली गई, गाड़ी तेज में चली गई। ये दुबला पतला आदमी, उसकी दोनों आंखें बाहर आए और कुछ बोल नहीं रहा है। पहलवान ने बोला, अरे देहाती, मैंने अपना जान को जोखिम में लगा के तुमको गाड़ी में बैठाया, लेकिन तुम धन्यवाद भी नहीं दे सकता, थैंक यू नहीं कर सकता है। उसने कहा, साहब मैं कैसा धन्यवाद दूं, मैं तो भिजवाने के लिए आया था, वो जाने वाला है। मैंने सोचा वो चढ़ जाएगा, मैं झोला को उसके हाथ में धरा दूं, लेकिन आपने मुझे बैठा दिया गाड़ी पर, वो तो छूट गया है। इसलिए अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है लौटने के लिए, रात में कहाँ टिकेंगे मुझे पता नहीं है। तब पे पहलवान का बुद्धि आया, मैंने सोचा भलाई काम करने के लिए, लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये मनुष्य की स्थिति है, ये मनुष्य का हालत है। भलाई करने के लिए मनुष्य चाहता तो है परंतु होता नहीं है, इसलिए बाइबल बतलाती है भलाई करने वाला है ही नहीं। ओ प्यारों, इसलिए बाइबल बतलाती है भलाई करते, हमारा भलाई जो है, हमारा धार्मिकता जो है कुचड़ा हुआ एक फटा कपड़ा के समान है। हमारा धार्मिकता परमेश्वर के सामने ठहर नहीं पाता। हम जो कहते हैं हम पुण्य काम करते हैं, वो भी परमेश्वर के सामने ठहरता नहीं है। आगे बढ़िएगा भगन जी। उनका गला खुली हुई कब्र है, उनका गला खुली हुई खबर है। जैसा खबर को खोलने से महक आता है, वैसे उनकी गला अगर खोलेंगे वो खुली हुई खबर है। उन्होंने अपनी जीभों से छल की बातें की। उनके होंठों में सांपों का विष है, उनके होंठों में सांपों का विष है। और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके पांव लहू बहाने के लिए धीरता दिखाती है। उनके मार्गों में नाश और क्लेश, उनके मार्गों में नाश और क्लेश पाया जाता है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, कुशल का मार्ग को नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय है ही नहीं। इसलिए सब कोई बह गए, सब कोई भटक गए, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है करके बाइबल बतलाती है। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके बारे में अगर मैं जान सकूं या मेरे बारे में आप जान सकेगा, आप हमको भी राइट ऑफ कर देंगे, बोलेंगे ये धर्मी नहीं है। क्योंकि मेरे जीवन का शुरुआत से लेकर अभी तक की अगर बातों को रिकॉर्ड में पढ़ाया जाए है और उन रिकॉर्डों को देखा जाएगा, हमने धर्म वास नहीं किया है। जाने अनजाने में मैंने कल गलतियां कर बैठा, आपने गलतियां कर बैठा। कई बार हम धक्का खाते 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 यहां तक पहुंच गए। फिर भैया क्यों आप कहते हैं धर्मी लूथ? क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? मेरे लिए एक उम्मीद है धर्मी होने का, क्योंकि अधर्म तो उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। धर्मी जन उसके अंगनों में जा सकता है, धर्मी जन उसके पास रह सकता है। क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है करके आपके अंदर मेरे अंदर चाहे कोई भी स्तर में रहने वाला हो, एक झलक की बातें उठती होंगी। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल ऐसे सबको इस प्रकार की बातों में लेबल लगाने के बाद एक सुंदर बात को हमें सुनाती है। पढ़िएगा उसी रोमियों की 5वां अध्याय, उसी रोमियों की 5वां अध्याय 19वां पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य ने आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। बहुत लोग, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, इसलिए सब कोई उसके औलाद, उसके संतान जितने थे सब कोई पापी ठहरे। वैसे ही दूसरा आदम, एक मेरा यीशु मसीह आज्ञाकारी होने के चलते, मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत लोग धर्मी ठहरा गए। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक और वचन को भी पढ़ेंगे, 9वां पद को पढ़िएगा, 9वां पद को पढ़िएगा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे। हाथ उठा के परमेश्वर का एक हालेलुया बोलेंगे। मैं कैसा धर्मी बन गया भैया? उसने लहू बहाया, उसने मेरे लिए जान दिया, उसके खून के बह जाने से मैं और आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी ठहराने के मतलब इसने कभी पाप नहीं किया करके मुझे प्रभु ने गिना। हालेलुया, कितने आनंद की बात है, कितनी सुंदर बात है। मेरे कदमों में कई बार मैं भटक गया था, लेकिन यीशु मसीह के खून में मैं छिप जाने के चलते, यीशु मसीह के खून मुझे धोने के चलते, यीशु मसीह के आत्मा मेरे अंदर वास करने के चलते, जब परमेश्वर मुझे देखता है अगस्टिन जमक कुमार करके नहीं देखता है, धर्मी अगस्टिन जमक कुमार करके देखता है। आपको जब देखता है, इसका मतलब जो कोई यीशु मसीह के लहू के आधीन में चले आते हैं उनको परमेश्वर धर्मी ठहराया है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। एक वक्त में बिहार में तो आप लोग जानते हैं नक्सलवादियों की बात है, और हम लोग एक पहाड़ में जहां 440 गांव पाया जाता है वहां पर सेवा करने के लिए शुरू किए थे। पूरा नक्सलाइट इलाका है, जंगल इलाका है, और वहां पुलिस भी जाने के लिए डरती थी और अधिकारी लोग जाते नहीं थे। और चुनाव के समय में वहां पर जब चुनाव के लिए वहां पर बूथ रखा जाता था और आर्मी का ट्रक, रायट कंट्रोल का ट्रक, ये सब वहां जारी रहती थी। नक्सलवादियों ने उस रायट कंट्रोल की गाड़ी जो देखने समय टैंकर जैसा लगता है उसको भी लोगों ने उड़ा दिया। 15 आदमी मर गया। उस प्रकार कठिन इलाका में हम लोगों ने काम शुरू करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि 440 गांव हैं, वहां पर प्रभु का वचन सुनाना है। क्योंकि एक वक्त में मैं एक बाजार में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, एक आदमी जो मसीह विरोधी है आके मेरे हाथ से किताब का छीन के फाड़ के मुंह में फेंक के कहा, जाओ उस पहाड़। मुझे मालूम नहीं था वहां आदमी है। हमको कभी कभी शत्रु से ही परमेश्वर अगुवाई करता है। उसने कहा जाओ वहां बतलाओ। मैंने पूछा वहां गांव है, उसी से पूछा, उसने कहा 440 गांव है। इसलिए मैं वहां गया था प्रचार करने के लिए। कभी कभी मसीह विरोधी को हम सोचते हैं ये हमारा विरोध में काम करता है, लेकिन उसको परमेश्वर अगुवाई करने के लिए भेजता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो सबको इस्तेमाल करता है ना, अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए। इसलिए हम लोग वहाँ काम शुरू किए थे। जब वहाँ काम शुरू किए थे, वहाँ एक परमेश्वर का दास वहाँ सेवकाई करने समय नक्सलों का एक लीडर था, 127 ब्लाक का सरदार था, 127 ब्लॉक का सरदार। उसका नाम सुनने से लोग डरते थे, कांपते थे। उसका नाम है सुशील मल्ला। सुशील मल्ला का नाम सुनते ही लोग का जी में जी नहीं रहता था। 11 बजे दिन में भी वो किसी को अगर पकड़ने के लिए जाएगा, पकड़ के लाके एकदम पूरा वहीं गला काट देता था। वे लोग उनकी भाषा में कहेंगे चेंज कम करना। ऐसा डरानक आदमी था, जिसके सिर के लिए बिहार सरकार ने बहुत पैसा रखा था, लेकिन उसको नहीं पकड़ा सका। और एक दिन हमारा सेवक भाई से उसने मुलाकात किया और कहने लगा, सुनो यार, तुम्हारा डायरेक्टर को बहुत हिम्मत है। और मेरे बारे में कह रहा था, बहुत हिम्मत है, हम लोग यहाँ राज्य करते हैं, यहाँ तुम लोगों को भेज दिया है, तो मैं तुम लोगों से बातचीत नहीं करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। तो उस भाई ने कहा, हमारा भैया से तो मुलाकात, मुझे भैया ही बुलाते हैं, भैया से मुलाकात करना के लिए आप अगर समय देंगे तब मुझे मुलाकात कराऊंगा। तो उसने कहा, मैं 2 घंटा उनके साथ बैठ के चर्चा करूंगा, तब पता चलेगा। तो एक वक्त में मुझे भी ऊपर जाके सुसमाचार के लिए जाना पड़ा। इस भाई आके मुझसे कहने लगा, भैया ये सरदार जो है, नक्सलाइटों का सरदार जो है, सुशील आपसे मुलाकात करने के लिए चाहता। मैंने कहा कि हमारे पास 2 घंटा तो नहीं है, लेकिन 45 मिनट जरूर देंगे। और उनको खबर दे दिया गया। और उसने कहा कि आपका जब आएगा, भैया आएंगे, फलाना पेड़ के नीचे आना है। एक भी जन को मालूम होना नहीं चाहिए, उनके पास कलम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कलम में भी कैमरा रहता है ना, इसलिए वो कलम भी नहीं लेके आना है, खाली हाथ आना है। अगर उनको आना है, खाली हाथ आना है, किसी को खबर नहीं देना, उनका पत्नी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। इतना डरानक सूचना के साथ मुझे एक पेड़ के तले बुलाने के लिए बोला। ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, एक सरदार से मुलाकात करेंगे अगर हम उसको। जैसा मैं जंगल के बीच में उसका टकराया हुआ पेड़ के नीचे गया था, मैं जाके उसको गले लगा के बोलने लगा, भाई कैसे हैं आप, सलाम। तब भी मुझे मालूम हुआ उसके पीछे दो AK-47 का गन लटका हुआ था। उसके पीछे दो AK-47 का लटका हुआ था, और जब मैं गले लगाया मेरा हाथ में पड़ गया और मैंने कहा बोलिए जो बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन वो बोलिए बंद हो गया उसका। और उसने कहा, उसने इशारा दिया जाइए जाइए जाइए। मैंने कहा आप 2 घंटा मांगे थे, मैंने 45 मिनट दिया, आप जाने के लिए कह रहे हैं। उसने कहा जाइए जाइए। मैं सोचा कि पुलिस को खबर मिल गई होगी इसलिए घबरा रहा है, इसलिए मुझे भगा रहा है। मैं कुछ बोल नहीं सका, एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। मैं लौट आया। 1 हफ्ता के बाद वो मेरे सेवक से मुलाकात करके कहना, कैसा आदमी का आपने विदा कर लिया जी। उसने मुझे छुआ, मेरा मुँह बंद हो गया। तो मेरा सहकर्मी ने कहा वो तो पवित्र आत्मा से भरा है। उसने पूछा पवित्र आत्मा कौन चीज होता है, क्या है पवित्र आत्मा का मतलब क्या है। तो उसने उनको बैठा के नया नियम एक तो देके, इसी में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है यीशु मसीह हमें देने वाला करके, उसको सुसमाचार दे दिया। ये जाके रातें रात पढ़ने लगा, पूरा नया नियम को पूरा पढ़ने लगा, यीशु मसीह के बारे में जानने लगा। और यीशु मसीह के बारे में जानने लगा, उसके मन में गटकने लगा कि यीशु मसीह देश को उद्धार कर सकता है। हालेलुया। बंदूक नहीं, खून खराबी से नहीं, यीशु की शांति और प्रेम इस देश को फैला सकता करके। उस समय उस पहाड़ में 4 संगठन के लोग इकट्ठा करके कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ताकि मिलके कैसा काम करें। माओवादी और नक्सलबारी और आंध्रा के ये सारे लोग वहाँ नेता लोग जुट के वहाँ मीटिंग कर रहे थे। दिल्ली में एक अंडरग्राउंड में वहीं पर मीटिंग कर रहे थे अंडरग्राउंड में। वहाँ जब मीटिंग कर रहे थे, एक खड़ा होके बोलना, ये भी तो नेता है, 127 ब्लॉक का ये लीडर है। एक खड़ा होके बोलने लगा, सुनो यार मैं एक बात को पा लिया है, बंदूक से नहीं जीतेंगे, यीशु मसीह से जीतेंगे। तो लोगों ने पूछा, भाई क्या खा रहे हो तुम। वो सुसमाचार सुनाने लगा। जहां हम नहीं जा सकते हैं, हमारा आदमी जा सकता है। हालेलुया। जब जबरदस्त बोलने लगा, लोग सोचेगा अरे ये तो सब हमारा वेद को जानता है, ये पुलिस को पकड़वा देगा, ये तो मिशन लोगों का हाथ में पड़ गया है। ऐसा सोच के, उसको मछली बहुत पसंद है, क्योंकि मछली खाने में वो माहिर है, इसलिए खाने में दोपहर के खाने के समय पूरा जहर मिला के उसको मछली खिला दिया। ये तो पूरा मस्त खाया लेकिन बेहोश हो गया, सिर से लेकर पांव तक एकदम नीला रंग का हो गया, ब्लू रंग का हो गया। जब नीला रंग का हो गया, लोगों ने सोचा ये मरेगा, इसको उठा के सोन नदी में फेंकेंगे। मैं सच्ची कहानी बात बतला रहा हूं, सच्ची बात को। मैं सोन के किनारे रहता हूं, थोड़ा दूर में 35 किलोमीटर के दूर में ये जो है उसको फेंकने के लिए तैयारी में, इसको छोड़ छाड़ के चले गए। ये जब ऐसे हालत में था, कुछ समय के बाद लोगों ने सोचा अभी पूरा मरने ही रहा, इसलिए इसको नदी में डाल देंगे करके सोन नदी में डाल दिए। वो नदी में रुलकते रुलकते बाहर फेंका गया, और जब देखा गया उसका होश थोड़ा सा आया, उसको याद आया हम क्यों यीशु का नाम लेंगे नहीं। उसने धीरे से धीमे आवाज से यीशु करके बुलाया, और उसका पूरा जगर घट गया, ठीक हो गया। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा नीसी नहीं देता ये गोवानी सी हमेशा विजय देता। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। तो तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। हमेशा विजय देने वाला यीशु का नाम है। और जब होश आ गया, जगर का असर खत्म हो गया, रात में 10:30 बजे आके हमारा घर खरासा कटकटा रहा। मैंने कहा 10:30 बजे मेरे घर में कौन आया भाई? खोल के देख रहे हैं, ये कड़ा यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा चिल्ला रहा। मैंने कहा पूछो ठार 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 क्यों भैया बोल रहा? उसने सारी घटना का बताया। मैंने बैठा के उसका खाना खिलाया और खाने लगा। भैया अभी मुझे बाइबल सिखाइए, मैं ये प्रचारक बनना है। मैंने कहा तुमको मैं साथ में रखूंगा, पुलिस मुझे भी भीतर कर देगा। तुम कितने लोगों का गला काटा है, अगर तुमको मैं रखूंगा तो मुझे भी ले जाएगा, मेरा संग मेरे पूरा परिवार को ले जाएगा, कैसा रखेंगे? उसने कहा भैया किसी न किसी रीति से आप मुझे रखना पड़ेगा। मैं दूसरा स्टेट में उसको रखा और महीना महीना कुछ देते रहा। वहाँ बैठ के बाइबल पढ़ा करके मैंने किसी सेवक का लगाया, लवे सब डर गए, कोई नहीं है। कुछ दिन के बाद लौट आया, बोला कि आप ही के सतरंगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत खतरा की बात है क्योंकि तुम्हारा नाम पूरा दुनिया का मालूम है, सुशील मल्ला कौन है करके मालूम है। हाँ, एक मैंने कहा मैं रात भर प्रार्थना करूँगा और तुम्हारे बारे में बतलाऊँगा। तो जब जा रहा था पुलिस उसको पकड़ लिया और उसको जेल में डाला। 12 साल तक जेल में था और बेल पाने के लिए। अभी बेल में जब बाहर आया, 1 साल हमारा बाइबल स्कूल में पढ़ा। अभी आके देखिएगा वो शेर नहीं रहा, वो बिल्ली जैसा हो गया। हालेलुया। इतने लोगों का खून का कारण, जितने लोगों को डराने का कारण, आज मसीह यीशु के खून से वो धोया गया, बिल्कुल ठीक आदमी हो गया। मैं एक बार उसको मद्रास में ले गया था। मद्रास में हमारा एक ऑफिस है, ऑफिस में 4 घर ऊपर है, नीचे 4 घर है। और वहाँ के इंचार्ज उनको खोज रही थी, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। आधा घंटा तक पता ही नहीं चला। तो आधा घंटा के बाद आया और पूछा, सुशील तुम कहाँ चले गए? नहीं दीदी, हमको आदत हो गया, अभी कहीं भी रहेंगे वहाँ का शौचालय सबका साफ करना, हाथ से मैं साफ करके मैं आया हूँ। बंदूक धरने वाला अभी शौचालय के साफ करने के लिए किसी के कहे बिना इतना नम्र हो गया है। हालेलुया। यीशु परिवर्तन कर सकता है, कर सकता है। यीशु का लहू जिसको छूता है वो भाग नहीं रहता है, वो मेमना बन जाता है, क्योंकि मेमना का स्वभाव उसमें अंदर चला जाता। बगल वाला का हाथ पकड़ के चेहरा देख के पूछेगा, बोलिए ना, बगल वाला का हाथ पकड़िए, पूछिए आप क्या बने हैं कल कुछ भाई लोग कह रहे थे, हमारा आदमी को मुक्का लगाया तब उसके भीतर का शेर निकल जाता है यीशु मसीह के पास आने से मेरे स्वभाव में परिवर्तन आता है, क्योंकि यीशु का लहू मुझे धर्मी ठहराता है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता हूँ, मेरे स्वभाव में परिवर्तन। इसलिए यीशु ही इस संसार का उद्धार करता है, यीशु ही हिंदुस्तान का आवश्यकता है। कल मैं कह रहा था, जकई के घर में यीशु आया, छापामारी करने का आवश्यकता नहीं, काला धन बाहर निकल गया। मोदी जी मेरी बात को सुनिएगा, काला धन यीशु मसीह घर में आने से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आपका 500 रुपये, 1000 रुपया को ये करने से नहीं होगा। यीशु घर में आएगा, काला धन अपने आप निकल जाएगा। अदानी के यहाँ से, अंबानी के यहाँ से, सब निकल जाएगा। तो इस देश के लिए किसका दरकार है? इस देश के लिए किसका दरकार है? बोलिए, इस देश के लिए किसका दरकार है? यीशु मसीह की आवश्यकता है। विश्वास करने वाला एक जोरदार पंजाबी हालेलुया बोलिएगा। इस इस देश के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे घर में, विशेष हमारे जीवन में दिखाई पड़े, ताकि हम दुनिया में देखें ये धर्मी जन हैं। इस मोहल्ला में रहता है एक धर्मी जन रहता है, इस गांव में रहता है एक धर्मी जन रहता है, इस गली में रहता है एक धर्मी जन, करके दुनिया हमें देख के कहने का दरकार है, इसको भूलिए मत, भूलिए मत, भूलिए मत। ठीक, मैंने कहा था लूत धर्मी, अगर धर्मी है उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए करके, लूत के जीवन से, जिसने क्रूस को देखा नहीं, जिसके पास लिखित वचन नहीं रहा, जिसके पास बाइबल नहीं रहा, उस लूत के जीवन से मैं कुछ बातों को आप तक पहुंचाने चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय, पहले पद से लेकर आप तीसरे पद तक पढ़ने जा रहे हैं। लूत के बारे में हम देखने जा रहे हैं। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, सॉरी 19वां अध्याय, पहले पद से लेकर तीसरा पद तक हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा बहन जी। सांझ को वे दो दूत, लूत को मालूम नहीं है स्वर्गदूत है, परमेश्वर का भेजा हुआ दो जन सदोम के पास आए। सदोम शहर में रहता था और उसके पास आए, और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। लूत वहां सोदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा, और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए, और रात भर विश्राम कीजिए, और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठके अपने मार्ग पर जाइए। उसने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे, हम रास्ता में सोएंगे, चौराहा में सोएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके कहा, सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की, उनके लिए रोटियां को बनाई, और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बस सुनिए, एक धर्मी जन का जीवन से एक बात को मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए चाहते हैं। बैठा हुआ है लूत, सांझ हो रहा है, शहर जो है बहुत कतरा जगह है, बहुत दुष्टंदा उदंडाबाजी का शहर है सोदोम। वहाँ किसी को वे लोग जल्दी नहीं सही ढंग से सोचते हैं या उनके साथ बर्ताव करते हैं, लेकिन लूत बैठा है, धर्मी लूत बैठा है, दो जन को आते हुए देखा, सीधा जाके ये आदमी खतरा में पड़ने वाला है, ये आदमी ऐसे शहर को नहीं जो पहचानता है, ये आदमी के यहाँ की खतरा मालूम नहीं है, इसलिए हम अपने घर में इनको दिखाएंगे करके उनसे जाके दंडवत करता है, जबरदस्ती करके भीतर लाके अपने घर में अपने हाथ से रोटी बना के खिलाता। अगर आप 18 अध्याय में देखेंगे, ये दो वहां पहले इब्राहिम के पास भी गए थे, प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ 3 जन गए थे। जब 3 जन गए थे, इब्राहिम भी उनको स्वागत किया और दौड़ा, अपने पत्नी से कहा 6 किलो आटा निकाल के कहा रोटी बनाओ, और एक नौकर से कहा जाके एक मेमना को काट के उसको जल्दी बनाओ, मेहमान आया है करके। इब्राहिम ने अपने पत्नी सारा, जिसकी उम्र 89 उम्र की है, 99 उम्र वाली के पास जाके 6 किलो आटा देके, अगर रोटी बनाने के लिए कहिएगा जो अनजान आदमी के लिए, हमारे औरत लोग उसी पूड़ी बेंधने के बेंध से ही मारेंगे। उम्र का पहचानता नहीं है, मैं इतना बुढ़ी हो गई हूँ, 6 किलो आटा पूरी बनाने के लिए घर में 1000 से अधिक नौकर चौकर है। इतना नौकर चौकर होने के बावजूद भी मेरे पास लाए हो, उसी से मार के भगा देता है कि नहीं, वो भी अनजान आदमी के लिए, अनजान आदमी के लिए। भाई कुणसेग्रन के साथ एक सेवक हिंदू परिवार से आया था, बहुत दून रखने वाला था। बाद में उसने बपतिस्मा लिया, अपने नाम को आइसक रखा, बहुत दून रखने वाला, बहुत किसी के भी गले में हाथ लगा देगा, घर में ले आएगा, कुछ न कुछ खिलाएगा और यीशु मसीह के बारे में बतला देगा। इतना नेपाल के बॉर्डर जयनगर में रहता था, नेपाल के बॉर्डर जयनगर नाम करके एक शहर है, वहाँ रहता था। जब उसकी शादी की वक्त आई, उसने अपने रिश्तेदार से शादी किया, वो भी हिंदू लड़की थी। उसको प्रभु में कैसा कैसा तो लाया और शादी करके उसको रेबेका नाम रख दिया, आइसक और रेबेका, ठीक, ईसा के साथ रेबेका। वो बेचारी लड़की नई नई थी, प्रभु में भी नहीं थी, सेवकाई में भी नहीं थी, उससे तमिल बोलने के लिए कोई हाई नहीं रखा और तमिल वाली थी, इसलिए वो घबराई हुई थी। कुछ दिन और ये जो है घर में रास्ता में कोई भी जाएगा उसको बुलाएगा, चाय पिलाने के लिए कहेगा, अपना जो भी संस्था से कुछ भी पैसा मिलता था, क्योंकि वहाँ विश्वासी तो नहीं थे, संस्था से जो भी पैसा मिलता था 10 दिन में काली कर लेता था, फिर 20 दिन में तो उनको उपवास करना पड़ता था। और लड़की घबराई हुई थी। फिर आखिरी में ये लड़की जब गर्भवती हुई तो उसको मछली खाने का मन करता था लड़की को, क्योंकि जब गर्भवती को थोड़ा खाने का मन करता है, मछली खाने का मन किया। और 4 महीना के बाद ये जो है रास्ता में किसी के पास सुसमाचार सुनाने के लिए गया था, एक आदमी बहुत बड़ा मछली पकड़ के बोला कि भैया आप ही के लिए लाए हैं करके। इसको बहुत आश्चर्य हुआ, प्रभु ने मेरे लिए प्रबंध कर दिया, बड़ा मछली को लेके घर में आया, देने लगा रेबेका को, अरे बना के खाओ, तुम तो मछली मांगी थी ना, देखो परमेश्वर कितना बड़ा प्रबंध कर लिया। वो बड़ी प्यार से उसको काट कूट के साफ करके जब बना के रखी थी, तब तक मैं ये सेवक 2 और जन को बुला के ले आया। और बोलने लगा, सुनो सुनो, मेहमान आया है, मछली मैं लाया हूं ना, खिलाओ। हमारा उत्तर बिहार के लोग मछली ऐसा नहीं खाते हैं, इतना बड़ा थावा में खाते हैं। और उसको गुस्सा आया, वो लड़की को, मैं इतना दिन 4 महीना गर्भवती लड़की, मैं मछली के लिए इंतजार कर रही थी, आज ये मछली मिला और ये खाने के लिए 2 जन का और ला दिया। और किचन रसोई घर से पहले प्लेट को फेंकी, फिर चम्मच को फेंकी, वो आदमी दोनों भाग गया। कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता। लेकिन देखिए लूत की पत्नी के पास जाने से शायद मार खिलाएंगे करके वो अपने से रोटी बेल रहा। धर्मी जन पखनाई करने में किसी न किसी रीति से जो आफती में है उसको अपनाने के लिए कभी रुकेगा नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, आप प्रतिदिन भलाई करने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया, जितना हो सके कम से कम उतना तो दूसरों को बचाने के लिए, जो आफती में पड़ा है, जो अंधकार में है, जिसको कोई ठिकाना नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उसके लिए सहारा देने के लिए परमेश्वर आपको रखा है। चलिएगा बिहार, हम लोग 350 से अधिक बच्चों को जो विचारणियों के लिए पैदा हुई उनको पालते हैं, पोलियो से ग्रस्त लोगों को पालते हैं, फेंके हुए बच्चों को तो मैं ही खुद पाल रहा हूँ। साहब पादरी साहब हमारे मैगजीन से दे पढ़े होंगे, एक लड़की जो मेरी है आखिरी वाली, अभी 12 साल की हो गई है, जो जन्म होते ही उसकी माँ ने उसको नहीं चाहा, इसलिए चलने वाली गाड़ी के सामने रख दी, ट्रेन गाड़ी के पटरी पर रख दी। लेकिन ट्रेन, हिंदुस्तान ट्रेन के लिए धन्यवाद, वो लेट चली है। और वो बच्ची रुलकते रुलकते नीचे आई, गाड़ी चली गई, मम्मी चली गई, आखिर में दो आवारा कुत्ता आके इसको खाने लगा। एक हाथ को तो पूरा खा लिया, एक दूसरा कुत्ता कोई उसके पैर को चबा रहा था। एक गरीब आदमी आया, और इन कुत्तों को भगा के उसको एक गंदे कपड़ा में लपटा के सरकारी हॉस्पिटल ससराम नाम करके, जहाँ से मीरा कुमार हमारा लोकसभा की सभापति जो जीती थी, उसी सादर हॉस्पिटल में ले गई। ना तो डॉक्टर रहा, ना तो नर्स रही, इसलिए एक पट्टी में बांध के एक वहाँ का आदमी रखा था। 2 दिन ना तो उसका खाना मिला, ना तो दवाई मिली, और उस हालत में लड़की वहाँ थी। कुत्ता जो है पूरा एक हाथ को तो खा लिया, केवल एक हड्डी जो है लटका हुआ था। जब हमारी मेरी पत्नी को मालूम, मैं घर में नहीं था, मैं सेवकाई में हमेशा बाहर रहता हूँ, इसलिए मेरी पत्नी को जब मालूम हुआ, वो गई, उसको ले आई हमारे अस्पताल में, उसको ऑपरेशन करने के लिए। जब इतना हटाया गया है, इतने हड्डी को काट के अम्ब्यूट किया गया है, मेरे डॉक्टर बोलने लगी कि भैया बचने का कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि हड्डी जो है, ये कॉलर बोन कहते हैं, ये लंबा वहाँ लटका हुआ था। अगर उसको बंद करने के लिए मांस खोज रहे थे, उसके शरीर में मांस खाइए नहीं था। 2 दिन तो खाई नहीं, और 4 दिन की बच्चा अभी, और इसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं करके दुआ किए। रातें रात मांस आके पूरा भर गया। हालेलुया। जब मैं घर आया था, मेरे बिस्तरा में एक हाथ बिना एक स्वर्गदूत को बैठा लेटाया गया। कहा, मैंने उसको चुम्मा देकर कहा, ये मेरी बेटी रहेगी, अभी 12 साल की हो गई है। मैं इसलिए कहता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग पालने का कारण क्या है? क्या हमारा बहुत बड़ा धनी है ना? मैं तो अच्छा कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन काम छोड़ के प्रभु के सेवकाई के लिए आया। क्या मेरे पास बहुत बड़ा धन है मैं ऐसे लोगों को संभाल सकूं? लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर मैं धर्मी हूं, जो आफती में पड़े हैं, जो निरादर है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको ये छाया देना मेरा काम है, हमारा काम है। कलीसिया के लोग, अगर आप धर्मी ठहरे गए हैं, अगर आपको परमेश्वर ने अपना खून से धो के धर्मी ठहराया। लूत कलवरी के बारे में जानता नहीं था, यीशु मसीह के प्यार के बारे में उसको कोई समझ नहीं थी, लेकिन उतना करता था। जो रोड पर टिकने के लिए आ रहे थे, उनको जबरदस्ती करके घर में ले आके, पत्नी साथ देने वाले नहीं है, 2 जवान लड़की ये लोग हैं, साथ देने वाले नहीं है, इसके बावजूद भी घर में कोई कोऑपरेशन नहीं है। इसके बावजूद भी अपने हाथ से आटा सान के अखमीरी रोटी को बना के खिला रहा है। पूछिए, आज मसीह लोगों के दिल में कभी कभी यह रहता, मुझे क्या मिलेगा? हा? कल हरेंद्र भाई बोल रहे थे, कुछ पादरी लोग आके बोल रहे थे, हमारे लोग मीटिंग में आए हैं, आपको बाड़ा देना होगा। अरे तुम मीटिंग में आए हो, हम बाड़ा देंगे? ये पंजाब के यही स्थिति है क्या? हमारे यहाँ मीटिंग चलाते हैं, एक आदमी 127 किलोमीटर साइकिल से चले आता, बोलता वचन सुनने के लिए आना है, मेहनत करके आएंगे। अरे भैया क्यों साइकिल में से 127 किलोमीटर बिहार शरीफ नाम करके वहाँ से डिग्रियान सोन तक तुम साइकिल में चले आया? भैया बाड़ा के लिए पैसा नहीं था, मैंने सोचा साइकिल तो है, चलो यार। अगर आप इस विचार से परिवर्तन होके मुझे क्या मिलेगा नहीं, मैं क्या दूंगा करके आ जाएगा, परमेश्वर आपको धर्मी गिनने में कोई तकलीफ नहीं। अभी से लेकर आपके अंदर ये भावना होना चाहिए, मैं मसीह के लिए खर्चा करूं, आत्माओं को जीतने के लिए खर्चा करूं, आत्माओं को जीतने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं करके मसीह मंडली पंजाब के अंदर खड़े होने का आवश्यकता है। जो अनादर है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका सहारा नहीं है, जो आपके प्यार के लिए तलाश में है, खतरा भरी संसार में है, उनके लिए आप क्या करने के लिए विचार किए हैं? मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूँ, मैं खूबी को, तमिलनाडु के लोगों की खूबी को नहीं बतलाने के लिए चाहता हूँ। मैं एक मदुरई नाम करके एक जगह में प्रचार कर रहा था। मदुरई नाम करके एक जगह है, आपको जानते होंगे, वहाँ प्रचार कर रहा था। मैं प्रचार करके जब स्टेज से निकल आया, एक 6 साल की लड़की मेरा खमीज को पकड़ के खींच रही थी। अंकल अंकल, मैंने कहा बेटी मुझे गाड़ी धरना है, मुझे छोड़ दो। ना अंकल, थोड़ा सा आप मेरा लिफाफा ले लीजिएगा, ठीक है, उतना मेरे लिए एक दुआ कर लीजिएगा। मैंने उसका हाथ में ऐसे एक लिफाफा पाया, उसके ऊपर हाथ रखे, मैं ट्रेन में जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे 8:30 बजे मीटिंग ख़त्म करके 9-10 में गाड़ी थी, वहाँ से जाने में आधा घंटा लगता था, दौड़ के गाड़ी धरा। जब गाड़ी में बैठ गया चेन्नई जाने के लिए, मैंने उस लिफाफा खोल के, उसमें कुछ पैसा था और उस एक चिट्ठी भी थी। उस लड़की लिखी थी, अंकल अंकल, मैं जब 2.5 बरस की थी, मुझे आस्थमा की बीमारी से मैं बिल्कुल मरने पर थी। मेरे माँ बाप ने मेरे पास बैठ के दुआ किए, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। जब मैं 5 साल की हुई थी, उस चिट्ठी में लिखा था, उसकी मम्मी से लिखवाई है शायद, मैं 5 साल की थी, आप हमारे मदुरई शहर में, वहाँ एक मैदान है, वहाँ प्रचार करने के लिए आए थे, मैं भी वहाँ आई थी। जब आपने कहा बिहार में कई लोग यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं है, कई बच्चों को यीशु के नाम भी मालूम नहीं है, और उत्तर भारत में बहुत लोगों को अभी तक यीशु के बारे में सुनाने के लिए कोई नहीं करके आपने कहा, आपने आखिरी में एक अल्टर कॉल दिया, बुलाहट दिया। मैं खड़ी हुई, मेरी माँ मुझे बैठा दी, तुम छोटी है, अभी तुम नहीं जा सकती, बैठो। मुझे बहुत रोने रोने आया, घर आई, प्रार्थना की। 5 साल की लड़की, सुनिए, 5 साल की लड़की प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे क्या करना है, मेरी माँ तो नहीं जाने दे रही है, लेकिन मुझे कुछ करना है। वहां यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, लोगों को यीशु मसीह के बिना अंधकार में रहते हैं, उनके लिए मुझे क्या करना है। वो फिर 6 महीने के बाद उस शहर में जब मैं गया, उसको मालूम हो गया 6 महीने के बाद अंकल आ रहे हैं। वो किस प्रकार थोड़ा पैसा का जमा की, मैं आपको बतलाऊंगा। उसका पापा एक सरकारी नौकरी करने वाले हैं, अपना बेटी से ज़्यादा प्यार करने के चलते एक एक दिन ये एक 5 स्टार मिल्क चॉकलेट के लिए आके देते थे। ये गई, सुबह उठ के गई, पापा पापा मुझे अभी चॉकलेट खरीद के लाना नहीं। पापा को, अरे चॉकलेट नहीं चाहिए? ना पापा, लेकिन उस पैसा को हमको देना होगा, जो चॉकलेट के लिए आप खर्चा करते हैं उसको मुझे देना होगा। पापा नहीं पूछे, ठीक है बेटी मांग रही है करके। वो लिखी थी, अंकल मैं 6 महीना उस पैसा को बटोर के, मैंने 10 मान उसको जाके चर्च में दी, और उसमें से थोड़ा सा बाइबल सोसाइटी को दी, बाकी पैसा को आपके हाथ में धर रही हूँ। अब बिहार में जो अंधकार में भटक रहे हैं उनके लिए सुसमाचार सुनाए। 23 साल की थी, और उस मुझे पकड़ के वो गिर के खा रही थी। फिर मैं, अभी वो नर्सिंग कर रही है, नर्सिंग कर रही है, और मुझसे मुलाकात हुआ। मैं नर्सिंग कॉलेज में जब प्रचार करने के लिए गया था, मैंने पूछा एंजल, उसका नाम है एंजल, एंजल कैसी है? अंकल पढ़ के मैं प्रभु के लिए काम करने के लिए तैयार कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा था, तुम जब छोटी थी तुम्हारा दिल में क्या लगा? वो कह रही थी, घोर अंधकार में रहने वालों को कौन ज्योति चमकाएगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा मेरा चॉकलेट जा सकता है। प्यारों, पंजाब के अंदर भी कई गांव हैं, हिमाचल में बहुत गांव हैं, और आपके आसपास के राजस्थान में कई गांव हैं। मैं बीते 4 महीना के पहले राजस्थान गया हुआ था। अभी तक यीशु का नाम को नहीं जानते हैं, अभी तक उस नाम को जानते नहीं, अंधकार में भटक रहे हैं। आपको मालूम है जो अंधकार में हैं वे अंधकार में नरक के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जहां आग बुझता नहीं है, जहां के कीड़ाएं मरते नहीं है, वो उसके लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई है नहीं। जरूर आप अच्छे से गाने वाले हैं, अच्छा से भजन करने वाले हैं, अच्छा से यीशु के आशीष के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ये सुबह का समय परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछ के आया है। अगर आप धर्मी हैं, लूत यीशु मसीह के प्यार को नहीं जानने के बावजूद भी, उसकी क्रूस की कथा को जानने के नहीं होने के बावजूद भी, उसने रास्ता में किसी को टकरने के लिए नहीं दिया। खतरा के जगह पर जा रहे हो, मेरे घर में आके टिको, मेरे छत्र छाया में रखो, मेरी पत्नी साथ देने वाली नहीं है, मेरे बच्चे साथ देने वाले नहीं, लेकिन मैं तो अपना मेहनत कर सकता हूं, तुम्हारी रोटी खिला सकता हूं। अगर आज कलीसिया इस जिम्मेदारी को समझ लेगी, अगर कलीसिया अपने को धर्मी घर के चिल्ला के गाने से अच्छा है कि मैं 2 आदमी को कम से कम बचाने के लिए कोशिश करूंगा करके कहेगी, पंजाब कब्बे प्रभु के लिए जीता जाएगा, हिंदुस्तान प्रभु के पास आने में कोई देर ही नहीं रहेगी, हिंदुस्तान के अंदर परमेश्वर की क्रिया जारी रहेगी। बेड़े भटक रहे हैं, बेड़े भटक रहे हैं। इसको मालूम नहीं था वे स्वर्गदूत है, लेकिन घर में ले आया, और घर में ले आने के चलते क्या हुआ है अगर आप पढ़िएगा 19वां अध्याय 4 पद से लेके पढ़िएगा। उनके सो जाने के पहले सोदोम शहर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, जवान से लेकर बुजुर्ग तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर, चारों तरफ के लोग आके उस घर को घेर लिया, उसके घर को घेर लिए, और लूत को पुकार कर कहने लगे, कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ, कि हम उनसे भोग करें। देखिए, चारों तरफ परेशानी है, एक नया काम नहीं, अच्छा काम करने के चलते पूरे शहर के लोग विरोध करते हैं। पूरे शहर के जवान से लेकर बुजुर्ग तक आके घर को घेर लिए और कहते हैं, उनको लाओ बाहर, लाओ, हला कर, रात हो रहा। कभी कभी आत्माओं को जिताने के समय आपको तकलीफ होती होगी, आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में सुनाने के समय आपके लिए तकलीफ होती होगी, आप यीशु मसीह के बारे में दूसरों को खबर सुनाने के समय आपके घर के चारों तरफ तकलीफ होती होगी, लेकिन आप क्या करेंगे? लेकिन धर्मी यूलूत क्या क्या मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। हमारे बाइबल स्कूल में एक लड़का पढ़ने के लिए आया, झारखंड का था, सरना नाम करके एक धर्म को लोग मानते हैं, केवल पेड़ को पूजते हैं। उस परिवार से वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसका पूरा परिवार प्रभु में आया था। वहाँ एक मंडली स्थापना किया गया, 150 लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर आराधना करते हैं। उसकी माँ बोली, उसका 3 लड़की है और 1 लड़का, अपने लड़का से बोलने लगी, लड़का सुनो बेटा, तुम तो पढ़ लिया है, अभी मेट्रिकुलेशन करके प्लस 2 कर लिया है, तुम ये एक काम करना, हमारे लोग अभी तब अंधकार में हैं, जरूर तुम मेरा बेटा है, जरूर बाप मर गए हैं, 3 लड़कियां हैं, मैं 2 को तो कैसा कैसा शादी करा दिया, 1 बहन है, लेकिन तुम ये काम करना बेटा, जाओ अच्छे से 1 साल बाइबल पढ़ने के लिए जाओ, बाइबल पढ़ के हमारे लोगों को रोशनी फैलाओ। बहुत बोझ के साथ आंसू बहा के उस बहन ने उस लड़के को हमारा बाइबल स्कूल में भेजे। लड़का आके 9 महीना होने के बाद अचानक वहाँ के लोगों ने फोन किया, आओ तुम्हारा माँ की मृत्यु हो गई। इनको पता नहीं था क्यों मृत्यु हुई। जब लड़का जाके देखा, वहाँ के लोगों ने इस लड़के को बाइबल स्कूल भेजने के चलते उसको माँ को एकदम कोदाली से घाट के जला दिया। एक ही कारण है, एक ही कारण है, रातें रात अपना एक बहन बची हुई थी, उसको पकड़ के हमारे पास लाया, हम उन दोनों को रखना पड़ गया। आज हम संसार में मसीह के ग्रहण करने के चलते नहीं, मसीह के लिए औरों को जीतने के समय आपको तकलीफ होता होगा। मैंने एक अनाथ बच्चे को पालन पोषण किया जिसका नाम सोनी है। माँ बाप दोनों मरने के चलते मेरे पास रह गई, हमारे पास रह गई। सोनी को देखने समय मेरी पत्नी क्या शक्ल की थी, इसलिए वो मम्मी आप ही की बेटी मैं हूँ कहती थी, मुझे डैडी कहती थी। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाए, आखिरी में एक जवान लड़का प्रभु को ग्रहण किया था, उससे शादी कराए, सरवण नाम करके। और सरवण एक ऐसे क्षेत्र में रखा गया सेवकाई के लिए जहां पूरा नक्सलाइट लोग हैं और उदंगा मचाने वाले हैं। और सरवण जो है कराते जानता था, ब्लैक बेल्ट का था। उसने क्या क्या मालूम है, एक कराते क्लब बनाया और सब लोगों से बोला 25 रुपया दोगे हम कराते सिखाएंगे। महीना में 25 रुपया चंदा उठा के उन्हीं को यीशु मसीह को सुनाया, बोला कि हम कराते सीखना, पहले यीशु मसीह के बारे में सुनो। और उस मुसलमान लड़के लोग थे, हिंदू लड़के लोग थे, लगभग 62 लोग उसको फाइल में आ गए। जब मैं उसको देखने के लिए एक बार गया था, अंकड़ अभी 62 लोग हमारे सुसमाचार सुनने गए। मैंने कहा कैसा किया है, मैंने कहा परमेश्वर ने कराते हाथ में दिया सिखाने के लिए, मैंने बुलाया सबको, बेटा के 1 घंटा दुआ करते हैं फिर कराते सिखाते हैं। इतना धुन रखने वाला लड़का था। एक दिन प्रचार करने के लिए बाहर निकला, लौटा नहीं, लौटा नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। उनका एक छोटी सी लड़की सबनम, छोटी थी, पापा कहाँ, पापा कहाँ मालूम नहीं हो रहा। 3 दिन के बाद पत्रिका में आया, एक शव को, एक लाश को पुलिस ने पाई है, पता नहीं चला है इसलिए दफना दी करके लिखा था। उस पुलिस स्टेशन में गई, पूछी थी आपका पेपर में आया है, पुलिस ने आपका गढ़वा नाम करके एक जगह है वहाँ, पुलिस ने बताया हाँ उसका बेल्ट यहाँ है, उसका गड़ी यहाँ है, यही आदमी के लोगों ने मार के कुआं में डाल दिया था। लाश को हम लोग देखे थे और उसको उठा के लाके पता नहीं चला क्या है, इसलिए उसका बेल्ट रखे हैं, उसका वॉच रखे हैं, उसका कमीज पहना हुआ कमीज बिल्कुल सड़ गया था इसलिए हम लोग उसको नहीं रखे हैं। बेल्ट को देखी, वॉच को देखी, अपने आदमी का है। पुलिस से पूछने लगे कहाँ पर उसको दफनाएं, वहाँ पर एक नदी बहता था, उस नदी के किनारे। पुलिस जब जाके दिखाया, पुलिस ठीक से दफनाया नहीं, इसलिए कुत्ता उसको खा रहा था। जब 3 दिन के बाद जहाँ मैं हूँ वहाँ पर मैं सेवक ऐसा लौटने समय मुझसे देखने के लिए मुझे पापा कहती है, अभी भी वो छोटी जो सबनम मुझसे बोल रही थी, नाना नाना मेरे पापा तो अच्छे थे ना, नाना मेरे पापा तो दूसरों को सुसमाचार ना सुनाए, क्यों मार्द के लोगों ने कुआं में डाल दिया। मेरे पास जवाब नहीं रहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारा पापा से मुलाकात करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। इस दुनिया में मसीह के नाम के चलते दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा, हिम्मत बांधो। भाई मैं कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूं। आज मसीह लोगों के अंदर में एक धून होने की आवश्यकता है। मसीह के लिए मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूं, मसीह के सेवकाई के लिए मैं अपना जान को भी जोखिम में डालने के लिए तैयार हूं करके मसीह कलीसिया जब तक खड़ी नहीं होगी, ये भारत बरस प्रभु के लिए नहीं जीता जाएगा। प्रभु आपसे बातचीत करता है, प्रभु आपसे बातचीत करता है। जिसने अपने खून बहाया, जिसने अपने जान को आपके लिए लगाया, जिसने आपके लिए मेरे लिए अपना एक बूंद खून को भी नहीं रखा, उसके लिए आपने क्या किया। यहां देखिए घर के चारों तरफ परेशानी है। 2 जन को लाने के चलते परेशानियां हैं। लूत क्या क्या मालूम है, अपने जवान 2 लड़कियों को लाके कह रहा है इनके साथ कुछ भी करो लेकिन इनको छोड़ दो। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या इस प्रकार की बातें मुझसे हो सकेगा, मैं सेवकाई में हूं, इससे हो सकेगा। 2 जवान लड़कियों को लाके दे रहा है, रख लो। एकदम पागल कुत्ता जैसा लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, उनके हाथ में अपने जवान लड़की लोग जिनके शादी होने की उम्र है उनको दे के कह रहा ले लो इनको छोड़ दो, आत्माएं मेरे तले में आया है। सुबह के आराधना में आप आनंदित और मगन है प्रभु में, धन्यवाद। आप प्रभु को चक्के हैं, धन्यवाद। लेकिन कितने लोग हैं आज भी पाप के अंधकार में घूम रहे हैं, उनके बचाने के लिए क्या दाम चुकाने के लिए आप और हम तैयार हैं। मैं ऐसा संदेश आपको देना नहीं चाहता था लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा जाओ, यहाँ भी मेरे लिए कुछ लोग हैं जो अपने जान को जोखिम में लगाने के लिए, अपने आवश्यकताओं को भूल के अन्य लोगों के लिए सेवा करने के लिए एक मंडली यहाँ है, उनके बीच में मैं कुछ लोगों को खड़ा करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। और आपको मालूम है अद्भुत काम हुआ, स्वर्गदूतों ने अपने ताकत से सारे लोगों का अंधा बना दिया। लूत घर में सुरक्षित हो गया, वे लोग दरवाजा ढूंढ ढूंढ के थक गए। परमेश्वर ने बड़ा काम किया। इसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उसका तीसरा गुण को मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। अभी पढ़िएगा उसी अध्याय में 12वां पद। फिर उन पाहुनों ने, उन लोग जो आए थे उन्होंने लूत से पूछा यहाँ तेरे लिए और कौन कौन है। दामाद, बेटे बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। उनको बचाने के लिए, क्योंकि मैं इस शहर को जलाने जा रहा हूं, इस संसार को जलाने जा रहा हूं। अगर तुम्हारे लिए कोई जान पहचान का है तो उनको बचाने के लिए जाओ। बाइबल बतलाती है रात चारों तरफ खतरा, चारों तरफ दबाव देने वाला, चारों तरफ इसको ढूंढने वाला है। लेकिन लूत अभी खतरा के बाहर, खतरा में होकर अपने लड़कियों से शादी करने वालों से बातचीत करने के लिए जा रहा है। मैं वहां रहता शायद ये कहता बाहर इतना खतरा है। मैं वहां रहता मैं ये कहता अभी नहीं, सवेरे हम शायद बोल सकते हैं। अभी अंदर में बाहर चारों तरफ बुढ़े बड़े जवान सब लोग तो हल्ला कर रहे हैं, वे लोग ढूंढ रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। आप उसी के बीच में मुझे भेजिएगा। मैं एक बात को आपको खाने के लिए चाहता हूं। एक बार तमिलनाडु से एक भाई आया था, एक लड़का था, उसको लेके आया था, 2.5 साल का लड़का के लेके आया था। पति पत्नी को हम लोग खरवंदिया नाम करके एक जगह में रखे थे। माँ अभी ये 6 महीना हुआ था, तमिल बोलने वाले हिंदी सीख रहे थे। 2.5 साल का लड़का को गोद में लिए हुए 7 बजे खाना खिला रही थी और आदमी घर के अंदर बाइबल पढ़ रहा था। 4 बंदूकधारी आए और उसके हाथ में से बच्चे को छीन लिए, भागने लगे। उसका बाप पीछे दौड़ रहा था, लोग बंदूक दिखाने कहने लगे तुम्हारा बच्चा चाहिए 50 लाख रुपया लाओ तब मिलेगा। अंधकार में चले गए। तुरंत वहां से मुझे फोन आया, भैया मेरे लड़के के पत्नी के हाथ में से छीन के लोग ले गए और 50 लाख रुपया मांग रहे हैं। मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 25 किलोमीटर है। मैं वहाँ जाने के लिए अपने गाड़ी को तैयार कर रहा था। मेरे लोग आके मुझे रोकने लगे, मुझे आइएगा कि वहीं होंगे वो लोग, अभी तो बच्चा के लेके 50 लाख मांगा, आपको पकड़ेगा 5 करोड़ मांगेगा। इसलिए रोक रहा था, आपको पकड़ेगा तो 5 करोड़ का हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, जब मेरा साथी दुख में है, जब मेरा सहकर्मी दुख में है, मैं अपने को जोखिम में लगाने के लिए तैयार हूं। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो गए। लंबी कहानी है, प्रभु ने उस बच्चे को बचा लिया है, उसको बचाने के लिए रास्ता खोला है। मेरा कहने का मतलब, खतरा आने समय आप भागने के चक्कर में रहेंगे, अगर आत्माओं का बोझ रहेगा। लूत अन्य लोगों को बचाने के लिए रात में खतरा में से होके जाने के लिए तैयार है। जाके सुना रहा, वे गिने, वे ग्रहण नहीं किए, वे टट्टा उड़ाए। हो सकता है कि आपको परमेश्वर बोझ दे रहा है किसी से बातचीत करने के लिए, वो टट्टा करता होगा, कोई बात नहीं, आपके ऊपर खिल्ली उड़ाता होगा, कोई बात नहीं। मेरा प्रभु का वचन, मेरा प्रभु का प्यार मुझे दूसरों को देना है कि मेरे पास ही रोशनी है, मेरे पास ही परमेश्वर का संदेश है, मेरे पास ही नरक से बचने के लिए है। या आग से यह दुनिया भस्म होने वाली है, उससे निकालने के लिए प्रभु मुझे रखा है, आपको रखा है। मैं इस अध्याय को पढ़ के कई बार रोया हूं। लूत को क्रूस की कहानी मालूम नहीं, लूत को लिखित वचन है नहीं, लूत को कोई रोल मॉडल नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं, कल भी मैं इसी चर्च में बैठ के कुछ सेवकों से बोलने समय कह रहा था, मैं अपने ज़िंदगी में कई लोगों के ज़िंदगी के बारे में पढ़ा और आपका पंजाब का करतार सिंह के बारे में भी पढ़ा। शायद करतार सिंह के बारे में कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। करतार सिंह तिब्बत में जाके सुसमाचार सुनाने के लिए जब गए थे, याक नाम के उस पशु के खाल में उसको लोग बांध के उसको धूप में रख दिए। आपको मालूम है याक का, बाइंस का उस चमड़ा जल्दी सुकड़ता है। शादी नहीं हुआ था सर करतार सिंह को, और जब सुकड़ रहा था हड्डियां टूट रही थी, उसका शरीर एकदम बिल्कुल सताया जा रहा था। धूप में लगा दिए लामा लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने। करतार से पूछा गया, अभी यीशु मसीह का इनकार करोगे? नहीं। तुम्हारी आखिरी लालसा क्या है? उसने कहा, एक हाथ मेरे बाहर रखिएगा, एक कागज और कलम दीजिएगा, मैं लिखूंगा। लोगों ने सोचा ये लिख करके बताएगा हम यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। लेकिन हाथ को बाहर रखने के बाद उस चट्टान पर एक कागज रखा गया, उसका हाथ में पेंसिल दी गई और उसने लिखा, मेरे लिए जीवन दिया व मसीह के लिए, इस प्रकार मैं 1000 बार मरने के लिए तैयार हूं। भाई बहन, उत्कर्षतार सिंह की धरती है। आज की कलीसिया नम्र होके प्रभु के सामने आत्माओं के प्रति जो नरक के ओर, नाश के ओर जा रहे हैं, उनके प्रति गिड़गिड़ा के दुआ करने का और उनको झपट के खींच के अपने जान को खतरा में डालने के बाद भी देने के लिए अपने को सौंपने का आवश्यकता है। अगर आपको यीशु मसीह ने अपना खून से साफ करके धर्मी बनाया, आप अन्य लोगों को धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर बुलाता है। मैं नहीं जानता हूँ परमेश्वर के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। उस छोटी लड़की की नाई कुछ बातों को त्याग के उस पैसा को लेके पास्टर के हाथ में देके, और सुनाइए पादरी साहब, और सुनाइए, कहने वाले हो सकते हैं। या अपना जान को जोखिम में लगा के जिस इलाका में ठट्टा करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, उस इलाका में जाके यीशु के प्यार को सुनाने के लिए अपने के सौंपने वालों को प्रभु खोजते हुए आया है। प्रभु की आवाज आपके कान में सीधा आ रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरे लिए। यह आवाज आपके कानों में गूंजने पाए। मैं अपनी गवाही के साथ अंत करने के लिए चाहता हूं। मैं अच्छा माँ बाप का अकेला बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, चेन्नई में आकर काम कर रहा था। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मैं दिन रात मैं दौड़ दौड़ के यीशु मसीह के बारे में सुना रहा था। कंपनी में 9 घंटा काम कर रहा था, 6 घंटा प्रभु के लिए सुसमाचार बाहर बच्चों के बीच में, जवानों के बीच में, देहात में जाके करता था। एक वक्त में जब मैं अपने दोस्तों से प्रार्थना कर रहा था, दोस्तों के साथ मिलके, प्रभु ने दिखाया बिहार। मैंने कहा बिहार के लिए क्या करना प्रभु? प्रभु ने कहा काम छोड़ के जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, मुझे हिंदी आती नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ तेरा सेवा करता हूँ। 18 महीना संघर्ष हो रहा था प्रभु के साथ। एक दिन एक मीटिंग, 1000 लोग भाग ले रहे थे, मैं उसमें मीटिंग में बैठा नहीं, गीत गाया नहीं, मैं उन लोगों का खाना खिलाने के टीम में था। 20 लोग हम लोग मिलकर खाना खिला रहे थे 1000 आदमी का। दूसरा दिन मेरा कमर में बहुत दर्द उठा। मैं उस स्कूल मैदान में, एक छोटे से मैदान में टहल रहा था। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, गीत नहीं गा रहा था। मैंने देखा इतना बड़ा अक्षर में अक्टूबर 13 तारीख। मैंने पूछा क्या होने वाला है प्रभु? एक आवाज आई, काम छोड़ो, बिहार जाओ। मैं हंस रहा था, मेरी माँ बाप नहीं छोड़ेंगे, मेरे कंपनी नहीं छोड़ेगी, मेरे इंजीनियर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं वहां पर देखा उन अक्षरों को मिटते हुए 2 आंखें, सुंदर आंखें, उसके बारे में अभी तक किसी का आंख ऐसा नहीं देखा, उसमें से आंसू बहते हुए मेरे ऊपर टपका। एक आवाज, जैसे एक दोस्त दूसरे से बलतला, इस प्रकार का आवाज, बेटा अगर तुम नहीं है मेरे लिए कोई नहीं है। आज 45 साल हो चुका, मैं कभी कभी उस आवाज को सुनता हूं, बेटा अगर तुम नहीं है मेरे लिए कोई नहीं है। 3 साल के पहले मेरी माँ की मृत्यु हुई। मेरी बहन वहां से फोन की, माँ प्रभु के पास चली गई। जो माँ ने मुझे इस बाइबल को पढ़ने के लिए सिखाया था, जो माँ ने प्रभु के सेवकाई के लिए अपने को सौंपा, मुझे सौंपा, उसकी मृत्यु हो गई। बहन वहां से फोन कर रही है 10 बजे। मेरे साथ ही लोग आए, भैया चलिए आपको हम लोग कलकत्ता में छोड़ देंगे, कलकत्ता से आप उड़ान भरिएगा, आपके माँ को शाम को आप दफना सकते हैं। मैंने बहन से कहा आधा घंटा के बाद मैं फोन करूँगा। फोन रख दिया, बाहर गया, प्रभु से मैं पूछा प्रभु क्या करना है। दूसरा दिन मुझे 45 लोगों को बपतिस्मा लेना था, देना था, बहुत सब कोई नौजवान थे। और तीसरा दिन मुझे रशिया जाना था पादरियों के लिए प्रचार करने के लिए। प्रभु ने पूछा अगर तुम नहीं हो मेरे लिए कोई नहीं। मैं 20वां मिनट में आया, फोन उठाया, अपने बहन से कहने लगा मैं नहीं आ सकता हूं। मेरी बहन बोलने लगी मुझे मालूम था तुम नहीं आओगे। भाई आज मैं आपको उस खाने के लिए इस बात को नहीं कहता हूं, यहाँ अपने के बड़कपन को दिखाने के लिए नहीं आता हूँ, लेकिन प्रभु का दिल को, उसके आंसुओं को मैंने देखा। मेरा प्रभु अभी भी नरक के ओर जाने वाले आत्माओं के लिए रोता है। वो नहीं चाहता एक भी जन नाश न हो, वो नहीं चाहता एक भी जन नाश न हो। उसका हाथ पैर आप ही है, वह आप ही के ऊपर निर्भर है, इसलिए आप ही को उसने धोया, आप ही के द्वारा बहुत बड़ा काम करने के लिए चाहता है। लेकिन समर्पित लोगों को प्रभु ढूंढने के लिए आया इस आराधना में। कुछ भी हो, मैं आत्माओं को जीतने के लिए, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। अपना समय, अपने खूबी, अपनी सारी बातों को सौंपने के लिए तैयार हूँ करके जो सौंपेंगे उसको खोजते हुए आया है। आइए हम सब सिर झुकाएं, सबको अपने आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है और आपसे कहता है, अगर बेटा तुम नहीं है तो मेरे लिए कोई नहीं। बेटी अगर तुम नहीं है मेरे लिए कोई नहीं है। अगर तुम नहीं है मेरे लिए कोई नहीं है। प्रभु जो कुछ मुझसे बन सकेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। प्रभु जो कुछ मुझसे इंतजार करेगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूं करके कहने वाले, चाहे बहनों में से हो, भाइयों में से हो, अगर प्रभु का आत्मा आपसे बर्ताव कर रहा है इस वक्त में, जहां है वहां शांति के साथ खड़े रहें। शांति के साथ खड़े होके प्रभु मैं हूं यहां, मैं हूं यहां। कलाम को सुनाने के लिए मैं अपने को सौंपती हूं। ये नहीं मैं पूरा समय नहीं, जहां है, जहां तक हो सके मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मैं इस काम के लिए पीछे नहीं हटूंगा। करने वाले, ऐसे कहने वाले, मैं इस गीत को गाने के समय आप खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए पादरी साहब के साथ मिलके, अपना भाई के साथ मिलके प्रार्थना करने के लिए सौंप रहे हैं।